पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही है। अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश में पिछले 70 से अधिक दिनों से कोरोना वायरस महामारी से लड़ता हुआ आ रहा है, और 70 दिनों से देश को लॉकडाउन भी किया गया है। पर इस लॉकडाउन में काफ़ी लोग हैं जो परेशानी में जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई है। वो अपना घर कैसे चलाएं, यही सोच के वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। पर उनकी परेशानी को हल करने के लिए, उनकी परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए सनलाइट क्रिएटिव संस्था ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और सनलाइट क्रिएटिव संस्था के अध्यक्ष कपिल अवड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए कि किस तरह ये उनकी मदद कर रहे हैं, किस तरह बसेस चला रहे हैं ताकि वो अपने गाँव तक जा सके, अपने परिवार से मिल सके। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। पिछले 70 दिनों से देश लॉकडाउन है, और काफ़ी लोग हैं जो इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशान है, दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी, तो किस तरह आपने उन सबकी मदद की? सर, ये जो दौर आया कोरोना महामारी का, ये बहुत ही भयंकर दौर है, और शायद ये सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। इस दौर में मैं जानता हूँ कि मैं नहीं, मेरे जैसी बहुत सी संस्थाएं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इस सब लोग निकल के आए हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं, जो पब्लिक है, जनता है, मैं तो सबसे पहले उनका धन्यवाद देता हूँ कि जनता निकल के आई है, एक एक बंदे का ध्यान रखा है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो भूखा सोया है या भूख से किसी के साथ कोई दिक्कत हुई है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले संस्थाएं आई हैं, पब्लिक निकल के आई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, सब निकल के आए हैं, और दिल्ली का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो केजरीवाल जी ने जो खाने का प्रबंध किया है, उससे मैं नहीं समझता कि किसी कोई भी आदमी भूखा रहा होगा, कोई मजदूर भूखा रहा होगा। प्लस जो है हमारी जैसी संस्थाएं हैं, कुछ और लोग हैं, इन्होंने बसों की सेवा करने की, मजदूरों को उनके अपनी जगह पे पहुंचाया जाए। हमारे सांसद श्री संजय सिंह जी हैं, उन्होंने भी बसों का प्रबंध किया। आप अगर दूसरी पार्टियों को देखोगे, बीजेपी वगैरह को देखोगे, तो देखो सिर्फ वो एक राजनीति कर रहे हैं, काम किसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि प्राइवेट लोग निकल के आए। एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा धन्यवाद और नमस्कार जो है सिख धर्म को, जिन्होंने जो सबसे बड़ा योगदान इस देश के अंदर किसी अगर धर्म ने दिया तो वो सिख धर्म है, जिन्होंने इतना लंगर चलाया। अगर शायद ये सिख धर्म ना होता तो बहुत मुश्किल होता इस महामारी से निपटने के लिए। तो इसमें सारी संस्थाओं का, सारे पब्लिक का, धर्मों का, सब ने अपना अपनी तरफ से योगदान दिया। कपिल जी, एक संस्था के अध्यक्ष के साथ साथ आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं रजौरी गार्डन विधानसभा से, और रजौरी गार्डन विधानसभा ऐसी है जहाँ पे काफ़ी निजी कॉलोनी है, जहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग भी रहते हैं, तो आपने अपनी विधानसभा में किस तरह काम किया है, किस तरह उनकी मदद की है? सर, सबसे पहले तो रजौरी गार्डन विधानसभा में सारे कार्यकर्ता, आम आदमी के सारे कार्यकर्ता लगे, मैं ये नहीं कहता मैं लगाऊँ, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिनकी जितनी कैपेसिटी है उन्होंने उस हिसाब से योगदान दिया है। किसी को किसी ने राशन दिया है, किसी ने कपड़े दिए हैं, किसी ने खाना बना के दिया है, किसी ने जैसे जैसे की जिसकी मदद हो सकती है, सब ने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया। मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ अकेला मेरा काम है, इसमें सारे कार्यकर्ता, और पार्टी ने एक निर्देश जारी कर रखा है कि कोई भूखा ना सोए, इसका पालन करते हुए पूरी रजौरी गार्डन विधानसभा भी लगा लो और भी विधानसभा लगा लो, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जी। मैं आपके ये केशव मंडी वाली रोड की बात करूंगा, यहाँ पे इतनी भगदड़ होती है, काफी भीड़ लगती है। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरियों का पालन करना बहुत जरूरी है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हैं कि सामाजिक दूरी बनाए रखे, तो किस तरह आपकी इस कॉलोनी में लोग जागरूक है सामाजिक दूरियों को लेकर, हाथों को धोने को लेकर, मास्क पहनने को लेकर? सर, इस चीज के लिए सबसे बड़ा योगदान आज दिल्ली में, जहाँ तक लॉकडाउन कामयाब हुआ, तो इसका सबसे बड़ा योगदान जाता है दिल्ली पुलिस का। अगर आप केशवपुर मंडी रोड की बात करें, अगर दिल्ली पुलिस ना हो तो मैं समझता हूँ ये महामारी बड़े ही गंभीर रूप ले सकती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कैसे मैनेज किया है, एक एक पब्लिक को, एक एक व्यापारी को, एक एक दुनिया को, मैं इसका दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जैसे मैनेज किया है ना, अगर ये मैनेज ना करते तो केशवपुर मंडी एक बहुत बड़ा भयंकर बीमारी का रूप ले सकती थी। और प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, अब आपके सामने ही है, उन्होंने देश के लिए क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, सब जग जाहिर है। कौन से ग्रुप को या कौन से वर्ग को उन्होंने क्या प्रदान किया, ना लेबरों को कुछ मिला, ना मिडिल क्लास को कुछ मिला, ना किसी को कुछ मिला, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला हुआ जी, 20 लाख करोड़ का पैकेज, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई नहीं। अगर जो काम कर रहे हैं वो जनता कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, और संस्थाएँ कर रही हैं, अगर ये लोग नहीं होते तो शायद कुछ ना हो सकता था जी।
कपिल जी, हमें पता चला है कि जिस तरह मजदूरों को भेजने के लिए, उनके गांव भेजने के लिए बसेस का प्रबंध आपने किया है, जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो काम आपने किया है, इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? सर कोई तो करेगा ना सर, अब उनको आप रोकते हुए या मरते हुए तो देख नहीं सकते, या आप सारे दिन बैठ के इंटरव्यू देते रहोगे? ऐसा तो नहीं है ना, किसी को तो पहल करनी है ना। हमारे सांसद संजय सिंह जी हैं, उन्होंने पहल करी है, बहुत ही अच्छी पहल करी है। प्लस जो है हम खुद लगे, हमारा बस से हैं तो हम कहीं तो यूज़ हो ना, किसी के तो काम आए जी। अब काम आएगी जिस चीज़ रखिए तो हम काम करने, अगर सेवा करनी है आप किसी वर्ग में भी कर सकते हो, किसी चीज़ में भी कर सकते हो, आप खाने में कर सकते हो, आप बसों में कर सकते हो, एक काम होना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आज हमारे मन में सेटिस्फेक्शन है कि इस दौर के अंदर हमारी पूरी टीम ने, हमारे कार्यकर्ताओं सब ने मिल के बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत सेटिस्फेक्शन है। कोई मन में गिला शिकवा नहीं है कि एक जुट के सारे बैठे हुए हैं, काम किया है उसको हमें अपने आप में सेटिस्फेक्शन हुआ इस चीज़ के लिए करना जी। करीब आपके दो होटल भी हैं, एक आपका पश्चिम बिहार केसर मंडी रोड पे है और एक आपका कोलबाग में है, तो जहाँ तक पता चला कि आपने होटलों को भी क्वारंटाइन सेंटर के लिए दे दिया गया है। हाँ जी, ऐसा हुआ था जी, तिलक विहार चौकी है, तिलक नगर थाने के अंतर्गत आती है, तो वहाँ पे तिलक विहार के अंदर कोरोना पॉजिटिव के बड़े सारे केसेज आए थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तिलक विहार चौकी को क्वारंटाइन करना पड़ा, और वहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव भी आए थे जिनका नाम है सचिन तोमर, वो सब के सब मेरे होटल पे रुके, हमने उनको व्यवस्था कराई, सचिन तोमर जी यहाँ पे रुके, उसके बाद वो होटल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हुए और वहाँ थोड़े से परेशानी उन्हें देखने को मिली, लेकिन उसको बाद में सॉर्ट आउट कर लिया गया। तो मैंने अपना ये होटल है करोलबाग थाने को भी दिए हैं, आपका बी एल कपूर का स्टाफ भी मेरे पास करोलबाग होटल में ठहरे हुए हैं, यहाँ पे भी ख्याला थाना है और तिलक नगर थाना है, जो हमारा फर्ज हो सकता है वो हमने किया है। दिल्ली पुलिस का साथ नहीं देंगे तो इनकी वजह से तो आज कोरोना रुका पड़ा है जी। अगर ये लोग नहीं होते तो आज शायद हम भी बीमार होते, आप भी बीमार होते, सब बीमार होते। इनका अगर कोई, अगर इनकी सेवा नहीं की तो क्या फ़ायदा? अब ये भी तो इंसान है, इनको भी तो कहीं ना कहीं चाहिए। अब ये ड्यूटी भी करते हैं तो जहाँ ये ड्यूटी करते हैं वहीं इनका रहने का प्रबंध हो जाए तो उससे बढ़िया और क्या है। ये बेचारे कहाँ जाएंगे, कोई किस गांव से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, सारे बॉर्डर सील हैं जी। तो थोड़ा हमारा भी फर्ज है, एरिया में बैठे हैं सब कुछ है तो करना तो पड़ेगा ना। कपिल जी, कोई अगर परेशान व्यक्ति आपसे मदद लेना चाहे तो किस तरह वो आपसे मदद ले सकता है? क्या कोई आपने फ़ोन नंबर वगैरह या कोई सर फ़ोन नंबर हमने सारे बांटे हुए हैं। मदद इन द सेंस कि क्या है सर कि अब आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में हमारे सर किसी को राशन की जरूरत पड़ती है तो फ़ोन करते हैं, अगर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते तो हमारे आम आदमी पार्टी का जो संगठन इतना मजबूत संगठन है सर कि हम जैसे कोई अगर सीलमपुर विधानसभा में है वहाँ किसी को दिक्कत है तो हमारे वहाँ के जो नेता हैं उनकी टीम को फ़ोन करते हैं तो वो सब कुछ प्रबंध करवाते हैं। ऐसा इस संगठन की एक बहुत बड़ी खासियत इस बार नज़र आई है कि सब एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, बस एक पता चलना चाहिए बंदे को दिक्कत है, वहाँ पूरी की पूरी टीम पहुँचती है और पूरा उनका ध्यान रखा जाता है। आप आम आदमी पार्टी से एक सवाल करूंगा सरकार को लेकर, काफ़ी जनता का कहना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा गलत फैसला लिया है ढील देने का, कि अब इससे जो कोरोना है वो फैलेगा और ज़्यादा लोगों को समझ करेगा। सर ढील क्या से आप कह रहे हो कि ढील देंगे तो दिक्कत हो, ढील देने ठीक है आपकी बात ठीक है कि ढील देंगे तो कोरोना फैलने का डर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सरकार के पास फंड ही नहीं है जी, केंद्र सरकार ने फंड ही नहीं प्रोवाइड किया, उनको फंड किसको, दिल्ली सरकार के साथ ये बेमानी क्यों हो रही है? दिल्ली सरकार को फंड देते हैं, दिल्ली का सरकार सारा अरेंजमेंट करती है, आज जो दो महीने आज को आपको लगे हैं कोरोना महामारी के, तो दिल्ली सरकार ने पूरा अरेंजमेंट करा हुआ है कि कैसे कोरोना बढ़ेगा तो उसके लिए उनको क्या क्या स्टेप लेनी है। उन्होंने सारे जितने भी दिल्ली के होटल हैं सबको टेक ओवर करने की पॉलिसी बना रखी है, हॉस्पिटलों को पॉलिसी बना रखी है, सब कुछ दिल्ली सरकार ने एक प्रॉपर प्लान तैयार कर रखा है। अब सरकार के पास ही पैसा नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी, सरकार को पैसे तो चाहिए ना, फंड तो चाहिए ना जी। तो बस अब दिल्ली सरकार थोड़ी ढील देगी, पब्लिक भी परेशान है, गवर्नमेंट से कोई पैकेज मिल नहीं रहा, लोग कोरोना से ज़्यादा डिप्रेशन से मर जाएंगे जी, घर में बैठ के जो डिप्रेशन हो रहा है, जो उन पर दिन डे बाय डे कर्जा चढ़ रहा है वो उससे मर जाएंगे, उससे कैसे बाहर निकलोगे आप? आपको बाहर निकलना जरूरी है ना, अपने घर के लिए पूंजी लाना जरूरी है। अब मिडिल क्लास तो है नहीं कि लोगों से राशन मांगेगा, वो तो एक ऐसा वर्ग है जिसे शर्म आती है, जो अपनी अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता सकता तो वो कैसे निकलेगा बाहर, तो उसके लिए उसको बाहर निकल के काम तो करना ही पड़ेगा ना सर, अब कोई मजबूरी है, अब इसमें क्या कर सकते हो। रजौरी गार्डन विधानसभा में काफ़ी मकान मालिक और काफ़ी किरायेदार भी होंगे, जिस तरह सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि मकान मालिक कोई भी किरायेदार को परेशान ना करे, तो क्या लगता है कि रजौरी गार्डन विधानसभा में क्या ऐसी कोई शिकायत आपको मिली जहाँ मकान मालिक के परेशान करते हुए दिखाई दिया? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं मिला, अब जिसने जो करना है सर उसकी सबकी अपनी पर्सनल इंटेंशन है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि मकान मालिकों ने किसी किराएदार को तंग किया। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बार जो है ये जो महामारी का दौर गया है इसमें जनता ने पूरा साथ दिया है जी। जनता ने हर तरीके का साथ दिया है, तन मन धन हर तरीके से पब्लिक का साथ दिया, जिस जरूरतमंदों का हर वर्ग ने ध्यान दिया सर। इस बार पूरा देश एक होकर लड़ा है
अगर देश एक होकर लड़ा तभी हम बचे हुए हैं, अगर आज शायद वो ना होता। बस मैं एक छोटी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा मजदूर जो है वो नहीं समझे जी, वो इन चीज़ों को नहीं समझे। अगर वो समझते तो ये महामारी बढ़ती नहीं जी। वो जहाँ थे वो वहीं रहते, लेकिन पता नहीं मजदूर क्यों नहीं समझना चाहते थे, क्या रीज़न रहा इसके ऊपर? मजदूरों के सर, मजदूरों को मजदूर इसलिए नहीं समझे क्योंकि सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, ना उनके खाने की व्यवस्था, सरकार ने उनका खाने का प्रबंध कराया, उनका रह जाए जहाँ वो रह रहे थे मालिक मकानों ने उनको पूरा रहने की जगह दिया, कोई किराया नहीं लिया, बल्कि मालिक मकानों ने उनका खाने का प्रबंध कराया। मैं खुद गवाह हूँ तो ऐसा। तो अब मजदूर ऐसे बोल रहे हैं तो अब इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि सभी हैं, हाँ हो सकता है कुछ लोग हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकारों ने रैन बसेरे बना रखे हैं, सब कुछ बना रखा है। मजदूर के दिमाग में एक चीज भर चुकी थी कि उन्होंने गांव जाना है, वो किसी भी कीमत पे नहीं रुक रहे थे। मजदूरों से हमने बात की, जो मजदूर अपने गांव जा रहे थे हमने उनसे रोड पे खड़े होकर बात की है, उनका खास तौर पर यही कहना है कि सरकार ने हमारे किसी तरह की कोई मदद नहीं की है, ना हमारा खाना दिया। खाना भी देते हैं तो सुबह से लेकर रात हो जाती तब एक टाइम का खाना आता है। कोई प्रशासन है, प्रशासन जो एकदम से पब्लिक के अंदर नहीं पहुँच सकता, उसके लिए टाइम लगता है जी। कार्यकर्ताओं का, पब्लिक का, इन सब का साथ चाहिए, तब जाके हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और कुछ मजदूर लोग बेचारे अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, वो अवेयर नहीं होते कि कैसे प्रशासन तक पहुंचा जाए, कहां पे सुविधाएं मिल रही हैं। एक पढ़ा लिखा ना होना और एक नॉलेज का ना होने की वजह से भी इस चीज़ का असर पड़ा कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमें चीज़ें नहीं मिली। सर, पढ़े लिखे की बात नहीं है, विदेश में बैठे बड़े बड़े लोग, अमीर घराने के लोगों को हवाई जहाज के द्वारा देश में लाया जा रहा है, तो क्या मजदूरों के लिए क्या ट्रेन नहीं चला सकते? सर, एक चीज बताऊं, अमीर और गरीब का क्या मतलब? अमीर अगर आ गया तो उसने गुनाह कर दिया, गरीब के लिए भी ध्यान रखना है। अब ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, सब चल तो रहा है सर। अब एक बात बताओ सर, अमीर की बात और गरीब की बात नहीं है, बात एक चीज की है। अगर हमारी ट्रेनें चल रही हैं, एक जब बैठने की 100 बंदे की सीट है तो 100 बंदे आएंगे ना, अब वहाँ 1000 बंदा पहुँच जाएगा। प्रशासन में तो कौन है, आप और हम जैसे लोग तो हैं, जो दिल्ली पुलिस है, ये लोग कितना भागेंगे, कितना मैनेज करेंगे? कुछ जनता का और कुछ मजदूरों का भी तो फर्ज है उसको मेंटेन करना। जो सारा काम सरकार ही करेगी तो लोग क्या करेंगे, जनता क्या करेगी? जो मजदूर मर चुके हैं उनका जिम्मेदार कौन? सर, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी है। रोड एक्सीडेंट से मर चुके हैं, कोई ट्रक के नीचे आ चुका है, कोई ट्रेन के नीचे आ चुका है, इनका जिम्मेदार कौन? सर, ये बहुत बड़ी त्रासदी है, मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत बड़ी, आपने बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हो? अब इसको क्या कह सकते हैं, अब किस नज़र से देख सकते हैं? इसका मतलब सरकार ने ध्यान नहीं दिया मजदूरों के ऊपर, चूंकि वो गरीब है। सरकार, मैंने आपको एक चीज़ बोली कि प्रशासन हर एक सिंगल बंदे के पास नहीं पहुंच सकता, ये जनता पहुंच सकती है, ये उनकी अवेयरनेस पहुंच सकती है, जनता खुद पहुंच सकती है। अब आप देखोगे दिल्ली से सारे मजदूरों का प्रबंधन किया जा रहा है, अब पूरे आप SDM ऑफिस जाओगे, सारे SDM ऑफिस, DM ऑफिस देखो, वहाँ पर परमिशनों का दौर चल रहा है, सबकी स्क्रीनिंग हो रही है, सबको बसों में बिठा के भेजा जा रहा है, सबको ट्रेनों में बिठा के भेजा जा रहा है। तो प्रशासन कर रहा है ना सर, खाना डेली 10 लाख आपके मीडिया के इंडिया TV चैनल ने ही खुद जाके वहाँ पे रेड करी है, वहाँ जाके खाना देखा कितना बन रहा है, तो सब चीज़ें हो रही हैं। राशन कैसे बढ़ रहा है आप देखो, ई कूपन कैसे मिल रहे हैं देखो, सर कुल मिला के हर एक चीज़ हो रही है दिल्ली। बल्कि दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिन्होंने फ्री श्रमिकों की ट्रेन का सारा खर्चा अपने ऊपर बेयर किया है, बाकी किसी सरकार ने के लिए वो लड़ रहे हैं मर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने तो सब कुछ जो ज्यादा से ज्यादा होता है हर चीज सुविधाएं प्रदान की है। आप दिल्ली सरकार की बात करते हैं, जब लॉकडाउन हुआ तब दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से मदद बड़ी की थी, उन्होंने सबके खाते में पैसे भेजे, चाहे वो पेंशन की बात करें, चाहे हम DT से बस ड्राइवर की बात करें, पर अभी भी कुछ DT से बस ड्राइवर कहते हैं हमारे खाते में पैसे नहीं आए, कुछ ऑटो ड्राइवर कहते हैं हमारे खाते में पैसे नहीं आए, और अब जो बुजुर्गों की पेंशन है वो भी इस महीने नहीं आई। एक छोटी सी बात है, मैंने आपको बोला कि जब केंद्र सरकार फंड नहीं देगी तो पैसा कहाँ से निकलेगा? फंड तो चाहिए ना सरकारों को सर, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतने बड़े बड़े खर्चे चल रहे हैं, कैसे मैनेज होगा जब सरकार के पास फंड ही ना हो? सारी चीजें लॉकडाउन क्या करे, केंद्र सरकार का इसमें रोल है सर, उनको अपनी सरकारों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए फंड क्यों नहीं रिलीज किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने माध्यम से उनसे क्वेश्चन करिए, आपने दिल्ली सरकार को फंड क्यों नहीं रिलीज किया? ऐसी क्या दुश्मनी है, ऐसा सौतेला व्यवहार करने की क्या जरूरत है दिल्ली सरकार के साथ? क्यों केजरीवाल जी काम कर रहे हैं? चलिए दिल्ली में सर ठेके खोलने की वजह रही होगी, वो ठेके खोल भी दिए 70%। सर सरकार कहाँ से फंड लेगी? सर सरकार कहाँ से फंड लेगी? आप कह रहे हो ये चीज प्रोवाइड करो, आपके तो खाना प्रोवाइड करो, आपके तो राशन प्रोवाइड करो, आप कहते हो मजदूरों को घर भेजो फ्री में, तो पैसे कहाँ से आएंगे सर?
कौन सा ऐसा काम है जिससे पैसे आएंगे? सरकार कोई तो प्लानिंग करेगी ना सर, जो लाइनें लगी थी सर वहाँ अगर कोरोना के। अब इसमें तो मैंने आपको फिर एक चीज बोली कि जनता का भी तो कोई रोल है सर। जनता हर चीज सदा सरकार से उम्मीद करती है, तो जनता खुद क्यों नहीं करती? जनता का कोई फर्ज नहीं है सर, जनता भी तो देखे कि क्या हो रहा है, कैसे मैनेज करना है। सोशल डिस्टेंसिंग अब सरकार थोड़ी एक एक जगह जा जाके रोकेगी सर, दिल्ली पुलिस कितना रोक लेंगे, वो भी तो इंसान है। ये जनता का भी तो कोई फर्ज है कि जो पिछले 2 महीने से सबको समझाया जा रहा है कि आप ऐसे करो, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो क्या वो कर रहे हैं? कुछ उनका भी फर्ज है सर। हर चीज़ हम सरकार पर डालें ये बात भी ठीक नहीं है। चलिए सर, अंत में सभी के लिए जाते जाते खासकर जोवी गार्डन विधानसभा के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये सबसे बड़ा है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जो महामारी का दौर है ये भी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा बढ़ेगा। तो हम सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आस पास सबका ख्याल रखें और एक मानवता के नाम पर एक दूसरे का पूरा साथ दें। जहाँ कोई ज़रूरतमंद मिलता है उसका साथ दें, बजाय उसको मजाक उड़ाने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि आप 10 फोटोएं खिंचवाओ, 20 फोटोएं खिंचवाओ, कम से कम किसी की मदद तो करो जी। दुनिया ऐसी बैठी है कि मदद नहीं कर रही, सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रही है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही है। चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनको एक दूसरे से सब लड़ाई झगड़े पॉलिटिकल वार खत्म करने के बाद पब्लिक का साथ देना चाहिए, ये दौर से गुजरना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए दौर गुजरे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वैजोवी गार्डन से कार्यकर्ता कपिल अरोड़ा और साथ साथ सनलाइट क्रिएटिव के फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। ये खास तौर पर मैसेज दिया है कि इस महामारी में राजनीति छोड़कर एक दूसरे का साथ दें, देश की जनता के लिए साथ दें, सभी को बिल्कुल सेफ रखें, किसी को कोई परेशानी ना आने दें। जिस तरह ये बिना स्वार्थ के मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों की परेशानी को हल करवा रहे हैं, तो हम दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस इनको सैल्यूट करता है और इनके काम की बहुत सराहना करता है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, आगे के लिए बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।